शायद हमारा सफर यहीं तक का था, अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाला अब। लास्ट ब्लॉग यहीं तक का था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में और शायद लास्ट ब्लॉग में। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया है और आप देख ही रहे हो, पिछले 3-4 दिन से मैं ब्लॉग बना भी नहीं रहा हूँ और बना पा भी नहीं रहा हूँ। तो मैंने यही फैसला किया है कि चलो शायद हमारा सफ़र यहीं तक का था और जितना भी था बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ मेरी अब यूट्यूब पर सेव हैं जिनको मैं कभी भी देख सकता हूँ। उसमें से बहुत सारे चैलेंजेस वीडियो हैं, कुछ प्रैंक वीडियोस हैं और कुछ डेली व्लॉग हैं, कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ दुख वाले मोमेंट हैं, कुछ खुशी वाले मोमेंट हैं जिनको मैं कभी भी यूट्यूब खोल के देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। और बाकी जो भी अपडेट रहेगा मेरा, मेरी लाइफ का, वो सब आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और आगे के दिनों में हमारी ज़िंदगी में खुशी भी आने वाली है लाइफ में, और अभी तो हमें पता नहीं है कि बेटा है बेटी है, मगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जो भी होगा जिस तरह भी होगा वो आपको अपडेट आगे के दिनों में मिल जाएगा। मगर मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला अब, और ये व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया बनाना। और इसके बारे में प्रभ आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो ये लगता है कि नहीं ख़त्म करना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। बोल देखो कौन रहा है जिस खुद 10 साल में एक ब्लॉग नहीं बना पाती और वो बोल रही है ब्लॉग बनाना चाहिए। आपको दिख रहा है ना मेरे कितना बर्डन हो जाता है ब्लॉग बनाना, और मैं चाहता भी नहीं कि बार बार लोग मेरे को और मेरी फैमिली को किसी भी तरह से जज करें। बहुत हो गया, मैंने अपनी लाइफ को पब्लिक कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में चली गई। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट कर लूँ और ठीक है अपना अपने तरीके से जिएंगे। और पता तो आप सभी को ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक हो गई थी या कुछ भी, वो पब्लिक भी आपकी फैमिली की तरह ही होगी। वो पूरी फैमिली को, सबको वो अपने फैमिली मेंबर की तरह ही देखते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो इतने सालों से और इतने अच्छे से देखते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मिलते हैं हमें। नहीं, उनके साथ तो सभी के साथ प्यार ही है मेरा, किसी के साथ तो वो थोड़ी है। मगर ये है कि मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लॉग बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया जॉब के साथ साथ। और अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं नेशनल में, आप सभी को बताया था जो लास्ट ब्लॉग मैंने बनाया है उसमें, और 3रा दिन है आज, कल रिजल्ट आएंगे सभी के, तो इस चीज़ में बिजी हूँ। यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सोशल मीडिया देख रहा हूँ, तो इन चीज़ों में बिजी हूँ। तो फिर मैं अपना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, अपना ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। हम रील भी बहुत कम बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है। एक ही चीज़ हो सकती है, या तो जॉब हो सकता है या सोशल मीडिया हो सकता है। जॉब छोड़ कर ही मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था, अब मेरे को लगता है सोशल मीडिया छोड़ के मेरे को जॉब करनी होगी, तो ऐसा सा हो गया है। बाकी बहुत सारे मैसेजेस मेरे को इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं आया। उतने तो नहीं आ रहे थे, मैं कहूँगा बहुत आए, कम से कम 5-6 लोगों के मैसेजेस आए थे और उसमें से सभी लेडीज़ ही थी, सभी बहनें ही थी। स्नैपचैट, इवन कई स्नैपचैट मैंने अभी नया नया शुरू किया, उस पर भी मेरे को मैसेज आए थे। एक कमलजीत आंटी हैं, थैंक यू आपका, और वो मेरे को बेटा बेटा करके बात करते हैं और आप प्रभु को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो उन्होंने भी कल मेरे को स्नैपचैट पे मैसेज किया आंटी जी ने कि पुत्र तुहाडा व्लॉग नहीं आया, मैं वेट कर रही हूँ। मैं क्या जी, वो मैं ब्लॉग बनाने छड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ना करो, ब्लॉग बनाने मत छोड़ो, मगर आप समझो सिचुएशन को। बहुत इस तरह की टाइडी सी सिचुएशन हो गई है जिसमें ब्लॉग बनाना डिफ़िकल्ट हो गया है। मैं अपनी डिफ़िकल्टीज ये बता देता हूँ कि देखो, एक सुबह से दिन शुरू होता है, आपको पहले भी बताया, फिर ऑफिस का हो जाता है, ऑफिस में बिजी रहते हैं, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता और याद भी नहीं रहता और क्या ही दिखाऊं मैं। फिर घर आ जाते हैं, फिर अपने थके होते हैं, सो जाते हैं, तो फिर वही कुछ है नहीं। और मेरे को खुद को भी पता है लाइफ में कुछ इस तरह का कंटेंट नहीं है और जो जिससे आप लोग सभी एंटरटेन हो पाओ, तो सबको मैं खुश कर पाऊँ, वो अभी है नहीं। वो आप सभी देख ही रहे हो, आपको पता लग ही रहा होगा।
तो बेवजह बे मतलब सभी को तंग करना व्लॉग डाल के, मगर जितने भी लोग देखते हैं और आज तक देखते आए हैं उन सभी का मैं इस वीडियो में अपने आखिरी व्लॉग में थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, और आपने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया, बहुत साथ दिया, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस और सब चीज़ें हमेशा साथ में रहेंगी, याद रहेंगी, और कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरी रील्स पे कमेंट्स कर सकते हो, वहाँ पे मैं देखता रहूँगा, आपको लाइक भी करता रहूँगा, आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूँगा, आपको रिप्लाई भी करता रहूँगा। बाकी दोस्ती बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कभी कभी कुछ ये मूवमेंट होगा तो वो भी मैं व्लॉग बनाऊंगा या नहीं पता नहीं, मैं शेयर ज़रूर करूंगा शॉर्ट वीडियो में या किसी तरीके से भी। और यही कहना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हो लास्ट? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे को बुरा लग रहा है। क्यों बुरा क्यों लग रहा है? ये व्लॉग नहीं बनाओगे, ये रूटीन ऐसे एक हो गई थी ना कि व्लॉग, और हम तो हम सब आप ही के चैनल के तो बच्चे हैं, अब आप ही ऐसे कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? अभी डिसाइड हुआ था, कैमरे में तुम पलट गई हो। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे सुन के। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कि व्लॉग नहीं बनाओगे, पता नहीं आपको भी ये किस तरह लगेगी न्यूज़, किस तरह लगेगी खबर, बट यही है जो भी है। और अपने स्वीट स्वीट कमेंट्स, लास्ट वीडियो है तो कर देना भाई, थोड़े अच्छे कमेंट कर देना, है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो है, उसके बाद पता नहीं मैं कोई ब्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, आप मुझे देख पाओ या ना देख पाओ, मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं। और बेबी का भी जो बच्चा आएगा उसका पता आपको इंस्टाग्राम पे चलेगा सीधा, कोई उसका ब्लॉग नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा इस तरह की चीज़। अब मैं परहेज ही करूँगा, उनसे बचा ही करूँगा, तो बस ठीक है। क्योंकि सभी को, कई लोगों का लगता है कि जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो कि शायद ये ब्लॉग बनाने के लिए कर रहा है या पैसों के लिए कर रहा है। आपको पता है ये कितने व्यू आते हैं, कितना क्या होता है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं क्यों इस तरह की जजमेंट, मेरे अच्छे कामों को भी इस तरह गिना जाता है कि शायद ब्लॉग के लिए कर रहा है ना, तो फिर मेरे को उस चीज़ का भी बुरा लगता है कि यार मैं अपने इतने एफर्ट्स करता हूँ हर एक चीज़ के लिए, तो वो जब अच्छी बात शेयर कर दो उस पे क्या प्रवचन देते हैं, प्रवचन देता है, तो ठीक है। मतलब कि सभी को वही चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एक मेजर रीज़न है मेरा बैकआउट करने का, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, अब मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, कैरी नहीं कर पा रहा हूँ, मुश्किल हो गया है ये। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, हिम्मत मार मार के सुबह जल्दी उठ के 4:30 बजे उठ के लेट नाइट सो के व्लॉग एडिट करने की, वीडियो बनाने की, कुछ ना कुछ करने की। मैंने लास्ट तक इवेंट, मैंने बोला था ना कि ये मोमबत्ती की तरह मैं फड़फड़ा रहा हूँ और हमारे ब्लॉग फड़फड़ा रहे हैं, और पता नहीं कभी ये मोमबत्ती बुझ जाए या ठीक रहे, आप मेरे को मोटिवेट करो मोटिवेट करो। बहुत सारे लोग मोटिवेट कर भी रहे थे और स्पेशल कमेंट यही करते थे कि आप व्लॉग बनाना मत छोड़ना, क्योंकि सभी को लग ही रहा था कि ये अब उस साइड जा ही रहे हैं। तो वो मोमबत्ती, ये लास्ट व्लॉग है, वाइट ही कपड़े पहने हुए हैं मैंने, आज वाइट कुर्ता पहना हुआ है, तो वो मोमबत्ती फड़फड़ाते आज बुझी गई है। तो मोमबत्ती बुझना गलत भी नहीं है, हैप्पी बर्थडे में भी सभी मोमबत्ती बुझाते हैं कि हम नया साल नई ज़िंदगी को मना सके। उसी तरह सोच लीजिए कि ये नया साल नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं हम, आप नए तरीके से बिल्कुल पीसफुली विदाउट एनी जजमेंट विदाउट एनी, मतलब कि मैं खुशकिस्मत समझता हूँ आप सभी लोगों को जो खुद व्लॉग नहीं बनाते, वो सिर्फ व्लॉग देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा लक्की हो, आपकी अपनी अपनी लाइफ है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो आप, और व्लॉगर्स की लाइफ और हो जाती है, कहीं ना कहीं करते करते वो नकली भी हो ही जाती है लाइफ, है ना। और खाते वक्त दिखाना, हर एक चीज़ को दिखाना, घूमते हैं उसको दिखाना, घूम रहे हैं तो खुद घूम नहीं पा रहे, वीडियो बनाने के चक्कर में, सभी को घुमाने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, खाने लगे हैं, पहले तो वीडियो बना दे, वो तो खाने को ठंडा कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं,
और वो जो लोग आप नहीं करते हो, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप सही करते हो। बहुत डिफिकल्ट है इस सब चीज़ को कैरी करके आगे बढ़ना। तो बस ये वन टेक वीडियो बनाया, सारा जो बोलना चाहता था मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया होगा, और शायद आपको कई लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है जो आपको लग रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये ब्लॉग, ये लास्ट ब्लॉग यहीं तक का था, और अब नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।